Hey guys, this is Desi Robo and आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Arduino के कोड में हम लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं एंड इससे हमें कैसे फायदा मिलता है। सो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लूप होता क्या है। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लूप बेसिकली एक कमांड होता है जो अपने अंदर लिखे कोड को बार बार रन करता रहता है जब तक कि इसे ब्रेक ना किया जाए। सो सबसे क्लियर एग्जांपल हमें अपने Arduino के कोड में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो हम void सेटअप के बाद void लूप लिखते हैं, ये भी एक लूप का ही एग्जाम्पल है एंड ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसके अंदर लिखा हुआ कोड तब तक रन होता रहेगा जब तक कि हम Arduino को बंद नहीं कर देते। अब हम लूप को देखने जा रहे हैं वो भी इस लूप के सिमिलर ही है, बस डिफरेंस ये है कि हम अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हैं जबकि Arduino के void लूप को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो अब हम देखते हैं कि हम अपने लूप को Arduino के कोड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर Arduino के साथ दो LED को कनेक्ट किया है एंड मैंने ऑलरेडी void सेटअप के अंदर के कोड एंड पिंस को मेंशन कर दिया है एंड हमारा मेन फोकस होगा लूप के कोड पे। अब अगर मैं चाहूँ कि हमारा LED 1 10 बार ब्लिंक करे एंड उसके बाद ये ऑफ हो जाए एंड उसके बाद हमारा LED 2 10 बार ब्लिंक करे, सो इसके लिए या तो हम यहाँ पर 10-10 बार दोनों LED के लिए कोड्स लिख सकते हैं या फिर हम एक सिंपल से लूप का यूज कर सकते हैं। अब लूप भी बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला व्हाइल लूप एंड दूसरा हमारा फॉर लूप। सो सबसे पहले हम व्हाइल लूप को देखते हैं। सो व्हाइल लूप को सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ व्हाइल लिखने के बाद सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट में कंडीशन देना पड़ता है जो अगर ट्रू होगा तभी हमारा प्रोग्राम इस लूप के अंदर आएगा। सो मैं यहाँ लिख दूंगा i <= 10। मैंने ये क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। अब इसके बॉडी के अंदर हमें अपना मेन कोड लिखना होता है जिसे हम बार बार रन करना चाहते हैं। सो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो LED है एंड हम एक एक करके दोनों LED को 10-10 बार ब्लिंक करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ बॉडी के अंदर सिंपली लिख दूंगा डिजिटल राइट हाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 300 मिलीसेकंड का डिले दूंगा एंड फिर मैं लिखूंगा डिजिटल राइट लो एंड फिर से 300 मिलीसेकंड का डिले दे दूंगा एंड अब हमें कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे ये लूप 10 बार रन होने के बाद ब्रेक हो जाए। सो क्योंकि मैंने यहाँ व्हाइल के कंडीशन में i <= 10 लिखा है एंड अगर मैं यहाँ i = i+1 लिख दूं तो इससे ये होगा कि जितने बार ये लूप रन होगा i का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा एंड जैसे ही i का वैल्यू 11 होगा ये लूप को ब्रेक कर देगा एंड हमारा प्रोग्राम इस व्हाइल लूप से निकल के वॉइड लूप में आ जाएगा एंड ये वापस वॉइड लूप के टॉप में चला जाएगा जहाँ मैंने i = 1 मेंशन किया है, जिससे कि i का वैल्यू रीसेट हो जाएगा एंड ये एक बार फिर से व्हाइल लूप में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारा LED 1 कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करने लगेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ LED 1 के लिए ही लूप बनाया है। सो LED 2 के लिए भी मैंने सिंपली इस कोड को कॉपी कर लिया, बस मैंने यहाँ बॉडी में वैल्यूज को LED 2 के लिए चेंज कर दिया एंड मैंने इस व्हाइल लूप के कंडीशन में q = 10 लिखा है क्योंकि जो हमारा i है वो पहले लूप के रन होने के बाद ऑलरेडी 11 हो चुका है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं एंड मैंने सिमिलरली यहाँ पर q = q+1 लिखा है एंड फाइनली मैंने इसे भी रीसेट करने के लिए void लूप के स्टार्टिंग में q को 1 मेंशन कर दिया है। सो अब हम कोड को रन करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। सो आप देख सकते हो कोड रन हो रहा है एंड हमारा LED बारी बारी से 10-10 बार ब्लिंक कर रहा है। सो अब हम देखते हैं कि for लूप को यूज करके कैसे हम इसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ फिर से void सेटअप को क्लियर कर दिया है एंड अब हम for लूप को यूज करेंगे। सो for लूप भी बिल्कुल सिंपल है, हमें सबसे पहले फॉर लिखना होता है एंड अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर लूप में हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल को मेंशन कर सकते हैं जबकि व्हाइल लूप में हम इसे लूप शुरू होने से पहले मेंशन करते थे एंड इसके बाद हम सिंपली सेमी कॉलन देकर अपने कंडीशन को लिख सकते हैं एंड फिर से सेमी कॉलन देने के बाद हम वो कंडीशन डाल सकते हैं जिससे कि ये लूप ब्रेक हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपली i++ लिखा है, इसका मतलब i = i+1 ही होता है एंड फाइनली
फाइनली इसके बॉडी के अंदर हमें अपने मेन कोड को लिखना है। सो मैंने यहाँ दोनों एलईडी के लिए कोड लिख दिया है एंड मुझे जहाँ तक लगता है किसी को ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो एंड मैं जितना जल्दी हो पाएगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।